अभी हम मौजूद है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने, जहां पर सैकड़ों की संख्या में सीएसओ भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी यहां पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इनकी क्या मांग है। भैया आपकी क्या मांग? हम सीएसओ वैकेंसी से हैं, हमारा एग्जाम हुए हैं, फरवरी में एग्जाम हुआ था हमारा। अभी तक कोई वैकेंसी कोई अपडेट नहीं, बस जब हम बार बार अभी ज्ञापन देते तो यही परिभाषित करते हैं कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्दी जारी करेंगे। अब तक कोई हमारे रिजल्ट को अपडेट नहीं है, 9 महीने हुए एग्जाम हो गए हमारे। तो हम कर्मचारी चयन बोर्ड से आश्वासन यह देते हैं हमारे अध्यक्ष साहब महोदय कि ये बुधवार तक अपडेट दे देंगे, या हो सकता है अगले मतलब गुरुवार तक अपडेट दे देंगे। अब आज आचार संहिता लग गई है, अब तक कोई अपडेट नहीं है हमारे रिजल्ट की, कोई सूचना नहीं है ना। हम अब दोबारा इंतजार करेंगे। कुछ अभ्यर्थी और सीएचओ भर्ती से जुड़े उनसे भैया क्या मांग? मेरा नाम पवन कुमार है सर। हम काफी टाइम से 19 फरवरी को एग्जाम लगी थी, उसके बाद से लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिर भी बोर्ड के कानों में जू तक नहीं रहेंगे, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं कर रहा। हम काफी टाइम से परेशान है। अगर आप कांग्रेस सरकार अगर अभी भी रिजल्ट जारी नहीं करवाती तो हम कांग्रेस को वोट नहीं। देखिए ये अभ्यर्थी लगातार राजस्थान सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हो रहे हैं इनकी समस्याएं वे क्या भाई साहब? फरवरी में एग्जाम हुआ था सीएचओ का, 8-9 महीने हो गए लेकिन हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया। हम रिजल्ट चाहते हैं, सीएचओ का रिजल्ट चाहते हैं। इतने परेशान 8 महीने से डिप्रेशन में, हर जगह धक्के खा लिए, चप्पल घिस गई, लेकिन हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं मिला। हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमें हमारा रिजल्ट चाहिए, हर हाल में रिजल्ट चाहिए। हमारी चप्पलें घिस गई, कहाँ कहाँ हम नहीं घूमे, हर जगह घूम लिए। हमारे साथ मनोज मीणा है जो लगातार यहाँ पिछले 2 घंटे से अपना संघर्ष जता रहे हैं। आपकी कोई वार्ता हुई? आज हम यहाँ सुबह 11 बजे से बैठे हैं, अभी तक भी कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब बेरोजगारों से मिलने को राजी नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में यहाँ एसी में आराम करने के लिए बैठे हैं कि युवाओं की मांग सुनने के लिए बैठे हैं? उन्हें जब युवाओं के हित से, युवाओं की समस्याओं से जब कोई मतलब ही नहीं है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देके अपने घर जाके आराम करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, आपने युवाओं के साथ में बहुत गलत किया है। आपने बेरोजगार युवाओं की हत्या करने का कार्य किया है। जब आपको पता था कि आचार संहिता आज लगने वाली है तो जो प्रक्रियाधीन भर्ती थी उनका समाधान आपने क्यों नहीं करवाया? आज आप देख रहे हो सुबह से बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं मिला बेरोजगारों से। और मैंने घोषणा करी हुई है, जब तक कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन नहीं मिलेंगे मैं यहाँ अनशन पे बैठा हूँ, और जब तक मेरी मांगों को लेकर मैं खड़ा हूँ। मैं जाने वाला नहीं हूँ यहाँ से, मैं बेरोजगार युवाओं के साथ में हूँ और मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये आचार संहिता तो साहब ऐसा है अब लगी है, अगर आपने युवाओं के काम नहीं करे, प्रक्रियाधीन भर्ती पूरी नहीं हुई, तो ये चुनाव में युवा आपकी ऐसी आचार संहिता लगाएंगे कि गहलोत जी आपको जीवन भर का ये चुनाव याद रहेगा। आप कह रहे हो 156, आप 56 सीटों पर भी अपनी जमानत नहीं बचा पाओगे, आपकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। क्योंकि युवा नाराज है, युवा परेशान है, युवा दुखी है, युवा पीड़ित है, लेकिन आपको उनके दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब है आपके एमएलओ से, आपके मंत्रियों से, उनको बुला बुला के आपने फंड दिया, उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर उनके लोगों का आपने करवाए। मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का युवाओं का इतना भी हक नहीं है कि इनकी मांगों को आप पूरी कर सको? आज बेरोजगार यहाँ सुबह से बैठे हैं, मैं खुद भूखा बैठा हूँ। जब तक हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे मैं यहीं बैठा रहूँगा युवाओं के साथ में। और बेरोजगारों के लिए मुझे मेरी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, और मैं मजबूती से बेरोजगार युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और ये संघर्ष जारी रहेगा। मनोज मीणा जो लगातार राजस्थान सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तो मैं आमरण अनशन पर यहीं पर बैठ जाऊंगा। कुछ महिला अभ्यर्थी हो रहे हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। मैम आप जी 8 महीने हो चुके हैं सीएचओ को रिजल्ट को,
अभी तक रिजल्ट एग्जाम हुए 8 महीने हो गए बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहती हूँ, वो हर किसी को कुछ देते हैं और मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मुझे भी बहुत कुछ दिया है। मैं आज आशा करती हूँ, मुझे सिर्फ इतना है कि मुझे घर वाले जीने नहीं देते, मैं एक अकेली मात्र हूँ मेरी फैमिली में जो एजुकेटेड हूँ, मुझे घर बेदखल कर दिया गया है ससुराल वालों की तरफ से। मैं चाहती हूँ कि मेरा रिजल्ट आए क्योंकि अब मेरे पास पढ़ने का 1% भी टाइम नहीं है। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, हर रोज मुझे ये पूछते हैं मम्मी रिजल्ट कब आएगा, ये सोच के मेरा दिमाग पड़ता है। मैं एक ही निवेदन करूंगी आलोक राज जी से और प्रसाद लाल मीणा जी और क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि हमारा रिजल्ट आज या कल में ही जारी करें, अन्यथा हम यहीं बैठे रहेंगे। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर JRA अकाउंटेंट भर्ती से जुड़े हुए हैं, ये लगातार अपनी मांगों को यहाँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने रख रहे हैं। भैया देखो, सरकार ने January 8 को CET का पेपर लिया था, उसको 10 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने कोई लिस्ट जारी नहीं की। जूनियर वाले अकाउंटेंट वाले छात्र हैं जो असमंजस में तैयारी करें नहीं करें, तो मेरा निवेदन है 15 गुना की जूनियर अकाउंटेंट की लिस्ट जारी की जाए जल्दी से जल्दी और राहत प्रदान करें इनको, बच्चों को। ये लगातार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार अपनी मांगों को कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सुनील कुमावत, मेरे कैमरामैन साथी अश्विन के साथ द नगरी न्यूज जयपुर।